है कि मिक्सर और कंपाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले उसमें देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मिक्सर और कंपाउंड हमने समझा है कि जो मिक्सर होता है किसी, ये ए है ये बी है, इसको बस मिला दो, ए 2 ग्राम ले लो चाहे 4 ग्राम ले लो चाहे 10 ग्राम ले लो, बी चाहे जितना ले लो, मिला दो, जो कुछ बन जाएगा वो मिक्सर है। कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स होता है, जो एलिमेंट मिक्स करते हैं फिक्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है कार्बन है दोनों मिक्स होंगे तो CO2 बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि कार्बन जो है 10 kg है और ऑक्सीजन जो है 200 ग्राम ही है तो C4O ऐसा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा यही बनेगा फिक्स रेशियो, हमेशा कार्बन के एक एटम्स होंगे ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे, तो इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। तो यही है कंपाउंड। एलिमेंट्स आर कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड, यानी इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती है, यानी ए और बी को जब मिलाओगे तो जो नई चीज़ बनेगी उसमें भी ए ही तुमको मिलेगा, उसमें तुमको बी ही मिलेगा, उसमें कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा। तो नो न्यू कंपाउंड्स इस फॉर्म, मतलब कुछ नया नहीं बनता, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। और इसमें क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O वाटर। तो ये फिक्स है कि वाटर जब बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होंगे, ऑक्सीजन का 1 होगा, ठीक है। तो ये फिक्स है, तो एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, तो इसमें न्यू कंपाउंड नहीं बनता, इसमें बनता है। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल का मतलब कि इसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, इसमें 10 A डाल दो 1 B डाल दो, या 10 B के साथ 4 ही B डाल दो, चाहे जैसे भी मिक्स करोगे वो मिक्स हो जाएगा, वेरिएबल परिवर्तनशील कंपोजिशन। कंपाउंड में क्या होता है कि फिक्स्ड होता है, जो कंपोजिशन होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने 2 एग्जांपल से बता दिया। नंबर 4, अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज, यानी मिक्सचर में जो चीज़ बनेगी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ए है और बी है, तो जो मिक्सचर बनती है जैसे ए और बी को हमने मिलाया, या देख लो शुगर में वाटर को मिक्स किया तो एक सोल्यूशन बनेगा। अब इस सोल्यूशन में तुम्हें शुगर भी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, वाटर की भी प्रॉपर्टीज़ दिखेगी, ठीक है। लेकिन जो न्यू कंपाउंड बनता है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन मिलके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये O2 से इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कार्बन से प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। उसी तरह यहाँ पे है वाटर का, ठीक है, कि वाटर बन गया तो हाइड्रोजन है, तो क्या हाइड्रोजन गैस से प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं, ऑक्सीजन गैस से प्रॉपर्टीज मिलेगी, नहीं, इसके प्रॉपर्टी चेंज होते हैं। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी जो नई चीज़ बनेगी H2O उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होगी। नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूएंस कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाई फिजिकल मेथड, यानी शुगर वाटर को हमें अलग करना है तो फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है उसको फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, जैसे कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड उसको कह सकते हो, तो उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लो, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका एक आउटलाइन है कि हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस जो भी हमारे चारों तरफ है सब मैटर है। अब मैटर में कुछ प्योर होंगे कुछ मिक्सर के रूप में होंगे, जो मिक्सर के रूप में होंगे इनके इम्प्योर भी बोल सकते हैं, और एक प्योर होता है, ठीक है। प्योर में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड होता है। मिक्सचर में क्या होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म। पढ़े हो ना होमोजीनियस, जैसे शुगर में वाटर को मिला दो तो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वाटर में सॉयल मिला दो, सैंड मिला दो, हल्दी मिला दो, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर एग्जाम्पल दिया है होमोजीनियस का कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एल्कोहल, ये सब है। और नॉन हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल करें, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वुड,
ब्लड, वाटर इन ऑयल, ये सब हेटरोजीनियस है। तो ये हो गया तुम्हारा मिक्सचर का। अब प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होता है, तो कंपाउंड में हमने अभी पढ़ा कि फिक्स कंपोजिशन होता है और उसको जो है इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हमें ब्रेक करना है तो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल क्या है, वाटर मीन्स H2O, मीथेन मीन्स CH4, शुगर मीन्स शुगर होता है, उसका फार्मूला होता है C6H12O6, और सॉल्ट होता है, सॉल्ट का भी फार्मूला होता है NaCl, ठीक है। ये एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि मोस्ट प्योर फॉर्म होता है। और फॉर एग्जांपल में कॉपर है, ऑक्सीजन है, आयरन है, हाइड्रोजन है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, दीज आर एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर का जितना थ्योरी पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ ये फिनिश हो गया।